सा भेदभाव क्यों हमेशा जम्मू लोगों के लिए? और सबसे हैरानगी की बात, जो जम्मू डिवीजन के बड़े बड़े नुमाइंदे बनते हैं, बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, वो भी इसके बारे में बोलना बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे इनविटेशन पे आप यहां पर आए, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा है वो है G20 की जो मीटिंग्स हो रही हैं श्रीनगर में उसके बारे में। अभी कुछ ही दिनों में एक G20 की टूरिज्म ग्रुप मीटिंग होने वाली है। ये दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और ये मीटिंग श्रीनगर में हो रही है। अभी कुछ दिन पहले Y20 मीटिंग कंडक्ट की श्रीनगर में, Y20 डिप्लोमेटिक मीटिंग। ये दोनों मीटिंग श्रीनगर में हुई, हमारे लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा पॉइंट यह है कि अगर आपने दो मीटिंग, इतनी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग वहां पे रखी, तो एक छोटी सी मीटिंग हमारे जम्मू के लिए भी रख लेते, जम्मू डिवीजन के लिए। ये ऐसा भेदभाव क्यों हमेशा जम्मू लोगों के लिए? और सबसे हैरानगी की बात, जो जम्मू डिवीजन के बड़े बड़े नुमाइंदे बनते हैं, बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, वो भी इसके बारे में बोलना बंद कर दिया है। बात करूं बीजेपी की, 2014 से पहले अगर कोई चींटी भी अगर मर जाती थी ना, इतने सड़कों पे इतने इतने बड़े प्रोटेस्ट करती थी और प्रोटेस्ट करने में ये नंबर वन होती थी। जैसे इनकी सरकार बनी 2014 के बाद, इन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना तो दूर, आवाज उठाना ही बंद कर दिया। कितने मुद्दे हैं आज हमारे यहां पर, कभी बीजेपी बोलती नहीं, और ये दो मीटिंग्स हो रही हैं, आगे बीजेपी कुछ नहीं। मैं बात करना चाहूंगा हमारे लाल सिंह जी। लाल सिंह जी कहते हैं जम्मू के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, जम्मू एक प्रॉपर स्टेट मिलनी चाहिए हमें, लेकिन बोलते क्यों नहीं? इतनी बड़ी दो इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, जम्मू का कहीं ना नहीं। लाल जी, इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ सियासत करनी है, आप अपोर्चुनिस्ट हो, आपको सिर्फ इलेक्शन जीतनी है, जम्मू से आपको कोई मतलब नहीं। मैं बात करूंगा अंकुश शर्मा भी जम्मू, धर्मेंद्र रैना भी जम्मू आप कहते हो, लेकिन जब जम्मू की बात होती है आप नहीं बोलते हो। अब क्या हो गया आपको, डर लगने लगा आपको, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जब वाइट गोल्ड यहां पर मिला रियासी में, जिसको लिथियम बोला जाता है, वो जब मिला तो इंटरनेशनल मीडिया में बाहर के लोगों ने क्या कहा कि ये जो लिथियम है श्रीनगर में पाया गया, कश्मीर में पाया गया, जबकि ये जम्मू डिवीजन में है। कई लोग सोचते हैं जो पत्नीटॉप है वो श्रीनगर में है। बहुत बहुत विडंबना की बात है। यकीन मानिए, हमारे जो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट है ना जम्मू डिवीजन में, इतने ब्यूटीफुल, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पूरे सर्वे करवा लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया से करवा लीजिए, हमारे नेशनल मीडिया से सर्वे करवा लीजिए, हमारे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट है ना टॉप में, टॉप नंबर वन पे आएंगे, इतने ब्यूटीफुल है। लेकिन सियासतदानों ने, इनकी गंदी पॉलिटिक्स ने हमारे जम्मू डिवीजन को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, इनफैक्ट जीरो क्या नेगेटिव कर दिया, कभी नहीं बोलते। इसलिए बहुत बहुत विडंबना की बात है, हमेशा जम्मू डिवीजन को एक गंदा ट्रीटमेंट दिया गया। अगेन, इसका जिम्मेदार हमारे ये सियासतदान है। मैं फिर से बोलूंगा, आप बोलिए। लास्ट में मैं फिर से यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि श्रीनगर में हो रही है, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन जम्मू के लिए क्यों नहीं? यही कारण है कि मीटिंग हो रही है वहां पर, और कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब हमारे, आप सिटी को छोड़िए, सिटी में हल्की फुल्की दिख जाती है, लेकिन बड़ा दुख होता है हमारे गांव, रिमोट एरियाज, इतना स्कोप है वहां पर, लेकिन जीरो क्या नेगेटिव। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल मैंने वही कहा कि कहां है बीजेपी के लीडर, इन्होंने बोलना बंद कर दिया। 2014 से पहले जगह जगह प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब सरकार बनी, ये महबूबा के सामने इन्होंने गिर गए, उनके सामने घुटनों के बल टिके, डंडे की चोट पे कहता हूं,
उसके बाद भी कई मुद्दे होते हैं बिल्कुल नहीं बोलते। आज रविंदर रैना को बोलना चाहिए जो इतने बड़े हमारे जम्मू के अपने आप को नुमाइंदा बोलते हैं, कहां पर है वो, क्यों नहीं बोलते? अरे आप ये बीगी बिल्ली बनना बंद कर दीजिए। आप ये झुकना लोगों के सामने, पहले महबूबा के सामने झुकते थे, अब अपने सीनियर लीडर्स के सामने, हाई कमांड के सामने आपका जो एटीट्यूड है चेंज कीजिए। ये आप ऐसे हमेशा अपनी गर्दन नीचे नहीं रख सकते, इससे आप अपने जम्मू डिवीजन की बेइज्जती कर रहे हो। आप हमारे नुमाइंदे नहीं हो, अगर आप में दम है तो आप छाती चोरी करके बात कीजिए, उनसे बोलिए हमें हमारा हक दीजिए। लेकिन आप, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे रविंदर रैना साहब, रविंदर रैना जी आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी चाहिए, दे आर द अपॉर्चुनिस्ट, ये कारण है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा सबसे अगर जरा भेदभाव अगर जम्मू डिवीजन के साथ किसी ने किया है वो फारूक अब्दुल्ला जी ने किया है, इसलिए उनके मुंह से ये बात बिल्कुल नहीं सूट करती कि जम्मू के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फारूक साहब आप रहने दीजिए, आपके मुंह से ये बात बिल्कुल नहीं सूट करती। बट हां, ये यही लोग बोलते थे कि भाजपा के लोग ही बोलते थे कि जम्मू के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और अब मैं ढंके के चोर पे कहता हूं कि उनसे भी ज्यादा, कश्मीर लीडर से भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते नहीं है, उनके सामने गूंगे बन जाते हैं, इनको पता है हम बोलेंगे हमारी पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी, हमें नीचे कर दिया जाएगा। दे आर द अपॉर्चुनिस्ट, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। तो उससे सर लॉस किसका हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता का? बिल्कुल, जम्मू जम्मू हमारे जम्मू डिवीजन का लॉस हो रहा है। आज देख लीजिए कोई भी सेक्टर देख लीजिए, आप हमारा रेता बजरी देख लीजिए, पहले क्या कीमत थी आज कितनी कम हो गई है, माफ कीजिए कितनी ज्यादा हो गई है, पहले कम थी अब बहुत ज्यादा हो गई है। जो वाइन दुकानें थी पहले कम होती थी अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, करप्शन कितनी ज्यादा बन गई है। थैंक यू सो मच।